नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा विनोदिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द टॉपिक बैक्टीरिया विच कम्स अंडर द फर्स्ट यूनिट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर। हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हम इसे नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बट ये हमारे एनवायरनमेंट में आसपास प्रेजेंट होते हैं। और इसको अगर हम आर्टिफिशियली कल्चर कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो हम इसको कॉलोनी के फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी भी ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं होंगे, ये हमेशा कॉलोनी के फॉर्म में होंगे या फिर मिक्स्ड फॉर्म में होंगे। ओके, मॉर्फोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स द बाहरी आकारिकी। इसकी जो बाहरी आकारिकी है, ये कोकस शेप के हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप के हो सकते हैं, बैसिलस शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप में भी इसमें वैरायटी पाई जाती है। जैसे कि अगर ये पेयर में है तो दो के पेयर में है तो डिप्लोकोकस हो जाएगा, और अगर रेडियली अरेंज है तो ये स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बैसिलस जो हम बोलते हैं, बैसिलस मीन्स रॉड शेप स्ट्रक्चर, अगर ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है तो रॉड शेप में भी ये पेयर में भी होगा और क्लस्टर के फॉर्म में भी हो सकता है। उसकी एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलाई या बैसिलस, लैक्टोबैसिलस भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि दही में मिलता है। ठीक है, फिर आता है स्पाइरिलम, ये भी एक शेप है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्पाइरल शेप का होगा। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रॉड शेप और कोकस शेप का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसको हम कोकोबैसिलाई कहते हैं। फिलामेंटस और फ्यूसीफॉर्म भी होते हैं ये। ओके, ये कुछ इसके डायग्राम्स हैं। क्लस्टर के फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है, ग्रेप्स लाइक फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएंगे, स्टेफाइलोकोकाई। फिर आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। ओके, ये कैप्सूल हम इसको बोलते हैं, और ये जो कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, तो आउटर जो वॉल है उसको हम सेल वॉल कहेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन आता है जो कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। देन उसके अंदर होता है प्लाज्मिड डीएनए, साइटोप्लाज्म, और बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ में इसमें प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। ये प्लाज्मिड डीएनए जो है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। आउटर मेम्ब्रेन इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेस। सेल मेम्ब्रेन जो है ये रेगुलेट करता है मूवमेंट को, आयंस के एक्सचेंज को। साइटोप्लाज्म जो है, इसमें साइटोप्लाज्म नथिंग इज बट अ फ्लूइड जो कि कंटेन करता है राइबोसोम्स, डीएनए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि लाइफ प्रोसेस में ज़रूरी है। देन क्रोमोसोम्स, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। स्लाइम लेयर पाई जाती है आउटर मेम्ब्रेन में, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, जो कि इसको किसी भी सरफेस से बाइंड करने के लिए हेल्प करती है। एंडोस्पोर्स वो सिचुएशन होती है या वो कंडीशन होती है कि अगर सेल किसी हार्श एनवायरनमेंट में है या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए ये एक आउटर हार्ड लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। देन कम्स पिली या पाइलस। पाइलस एक स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन के समय, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो इसमें दो बैक्टीरियल सेल के बीच में फॉर्म होता है एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम पिली कहते हैं। उसके बाद आता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो है ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को, और इसमें भी अलग अलग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में ये दो किंगडम में डिवाइडेड है, एक तो आर्किबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। ओके, तो आर्किबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत हार्श एनवायरनमेंट में, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी अपने आप को स्टेबलाइज करके रखने की क्षमता रखते हैं। ओके, दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू मींस ट्रू बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एडवांस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो आर्गी बैक्टीरिया है, ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय से ये पृथ्वी पर सर्वाइव कर रहे हैं,
और इनमें भी अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि मिथेनोजेंस, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। तो नाम से समझ में आ रहा है मिथेनोजेंस, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। और ये मिथेनोजेंस जो है ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि लाइव स्टॉक्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर एरोबिकली या एनएरोबिकली प्रेजेंट होते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और वहां पर ये मार्श गैस का प्रोडक्शन करते हैं। मार्श गैस, मिथेन गैस मार्श गैस है, आपको पता है। हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स दो हेलोजन ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप जो है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, सॉल्ट है। ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन जहां जहां भी ज्यादा होगा वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि जो आर्की बैक्टीरिया है ये अलग अलग हार्श एनवायरनमेंट में या अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, देन कम्स थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, एसिडोफिल्स मीन्स जब एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां पर जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा हो वहां पर आपको ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और ये जो एरा थी, या तो ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया होगा वॉल्केनिक इरप्शन वाला जो एरिया होगा वहां पर वॉल्केनिक वेंट में ये पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 110 डिग्री पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। पीएच ना, जो 2 अगर पीएच हम बोलेंगे, एसिडिक होता है 2 पीएच, तो उस 2 पीएच में भी ये अपनी सर्वाइवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। और इसका जो अगर स्ट्रक्चर होगा वो एंडोस्पोर फॉर्म करेगा। देन कम्स यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रू बैक्टीरिया इसको हम कहते हैं। अब ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अभी हमने जो देखा था, इसका जो डाइवर्सिफिकेशन देखा था कि कोकस है, बैसिलस है, ये सब ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, और एनएरोबिकली ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, इसको हम अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 4 फाइला में डिवाइड करते हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है स्पाइरोकीट, देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड प्रोटियोबैक्टर। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया ना होकर के ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये इसमें क्लोरोफिल है और फाइकोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, अपना खाना खुद बनाते होंगे। ओके, सो दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हम कह सकते हैं इसको। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ऑसिलेटोरिया है, रिडोगोनियम है, वॉलवॉक्स है, और इनमें भी स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक, और ये हेट्रोसिस्ट का भी वही फंक्शन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये एज इट इज सॉइल में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, उसको ह्यूमिडिटी मिलती है, पानी मिलता है, तो ये फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं। एनामिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है दैट लिव्स ऑन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इन वाटर एंड कैन ओवर पॉपुलेट कॉज पॉपुलेशन ब्लूम और एल्गल ब्लूम। अगर हम देखते हैं तालाब में, ठीक है, पानी का जहाँ भी स्रोत है वहाँ अगर जितने भी एनाबीना या जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये क्या करते हैं, एक सरफेस, क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, सरफेस पर फ्लोट करते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाते हैं तो ये जो वहाँ की ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जितने भी फ्लोरा है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है या जूप्लैंक्टन्स है, उनको ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है, और ये वो एनाबीना है या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो वहाँ पर ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको यूट्रोफिकेशन की कंडीशन भी हम कहते हैं। ठीक, बट ये जो है एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा रिस्की है। द यूट्रोफिकेशन, साइनोबैक्टीरिया डाई डिकम्पोज एंड यूज अप ऑल द ऑक्सीजन फॉर फिश। तो इस तरह से ये वहाँ पर जितने भी जू प्लैंक्टन्स हैं, स्मॉल एंड लार्ज फिशेज जो हैं, उनके सर्वाइवल के लिए भी ये खतरे की बात है। फिर आता है स्पाइरोकीट,
ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं, पहले हमको ये जानना जरूरी है। तो जब भी हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम एक स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं जो कि क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। तो बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेन करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट और सैफ्रेनिन से। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं और वो बैक्टीरिया अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करता है, क्रिस्टल वॉयलेट अगर उसने ऑप्टेन किया, तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और अगर उसने ऑप्टेन नहीं किया वो कलर, पर्पल कलर, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये प्राइमरी जो टेस्ट है या प्राइमरी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव से कर सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है, ये मूव कर सकते हैं, ये कुछ एरोबिक होते हैं, एरोबिक मींस ये ऑक्सीजन चाहिए इन्हें अपनी एक्टिविटी के लिए। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासिटिक मींस ये दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर होंगे, सिम्बायोटिक मींस ये दूसरे जीव जंतुओं के साथ एक फ्रेंडली एसोसिएशन बना के रखते हैं और सामने वाली स्पीशीज को या होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटियोबैक्टर है, ये भी एक लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि तीन अलग अलग सब डिवाइड किया गया है, एंटेरिक बैक्टीरिया, तीनों ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो एंटेरिक बैक्टीरिया, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि ये कहीं किसी के अंदर होगा, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक। तो मोस्टली ये लाइफ स्टॉक्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इकोलाई, एस्केरिशिया कोलाई, जो कि काऊ के इंटेस्टाइन ट्रैक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ओके। साल्मोनेला भी इसका एग्जांपल है, बट वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। साल्मोनेला टाइफी का नाम सुना है सभी ने। सो ये हो गया एंटेरिबैक्टर। उसके बाद आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स जो है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो मीन्स केमिकल एंड ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वपोषी, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल का खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल के यूज करके वो क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, या किसी मिनरल को यूज करके वो ऑक्सीडाइज करके एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कि आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, कुछ सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया, ठीक। सो नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, क्योंकि कुछ क्या होता है कि सारे पौधे या जीव जंतु जो मिनरल्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, वो उनको एज इट इज उस फॉर्म में नहीं चाहिए, वो उनको सिंप्लीफाई फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन डायरेक्ट वो यूज नहीं कर सकते, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये काम कौन कर सकता है, ये बैक्टीरिया कर सकता है। ये नाइट्रोजन को फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलेगा, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज, राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, फेबेसी फैमिली के जितने भी दलहन फसलें होती हैं उसकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और उस रूट में रहकर, उस रूट के आसपास रहकर ये सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करते हैं और पौधे को उस नाइट्रोजन की उपलब्धता कराते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये पौधे के लिए अति आवश्यक है, इनफैक्ट सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं सभी के न्यूक्लिक एसिड हैं ये किससे बने हुए हैं, नाइट्रोजन से ही बने हुए हैं, ओके। सो नाइट्रोजन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, या इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। सो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कैसे हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। जब हम इसको ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चेंजेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल अमोनिया, ओके, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ नाइट्रोजन साइकिल। देन इट कम्स न्यूट्रिशन इन बैक्टीरियल सेल। अब न्यूट्रिशन जो है तीन तरह से हो सकता है, पहले तो इसको हम दो तरह से देखते हैं, कौन कौन से दो तरह से देख लेते हैं यहाँ पर, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी, हेटरोट्रॉपिक परपोषी, ओके।
तो ऑटोट्रॉपिक में दो तरह से है, एक तो है कीमो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है फोटो ऑटोट्रॉपिक। लाइट के प्रेजेंस में केमिकल का वो कैसे प्रिपरेशन कर रहा है और दूसरा जो है वो केमिकल्स को कैसे वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन कौन से केमिकल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे सल्फर बैक्टीरिया सल्फर ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करेगा, उसी तरह आयरन बैक्टीरिया मीथेन बैक्टीरिया कार्बन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ओके, फोटो ऑटोट्रॉपिक में दो एग्जाम्पल है, एक तो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। फिर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया परपोषी बैक्टीरिया है क्योंकि ये निर्भर है दूसरे पौधे पर या दूसरे जीव जंतुओं पे। इसमें भी इसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है सेब्रोफिटिक बैक्टीरिया, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेब्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है ये सड़ी गली चीजों पर ग्रो करते हैं और उससे ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया में ये दूसरे जीव जंतुओं पे सरवाइव करते हैं और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में होते हैं, जो एनिमल्स के इंटेस्टाइन में होते हैं और जो होस्ट को, होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाते बट उसको फायदा भी नहीं देते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब आता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअली ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, जैसे कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक जो सेल है इसमें जो क्रोमोसोम है, आपको पता है कि क्रोमोसोम तो होता है इसमें, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी डीएनए भी पाया जाता है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब ये जो क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है ये डिवाइड करेगा, कॉपी बनाएगा और उसके बाद में इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें भी ग्रूव का फॉर्मेशन होगा और ये भी डिवाइड करेगा और इस तरह से बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बाइनरी फिशन है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए हम इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टर्म का यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन तरह से हो सकता है, एक तो पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में होता यह है कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि कभी भी कोई भी बैक्टीरिया सिंगल फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ओके, सो जब भी बैक्टीरिया ग्रुप में प्रेजेंट होता है तो इनके बीच में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बैक्टीरिया खुद ही उनमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह एक्ट करने लगते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो होता यह है कि इनके बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलस। देखा था हमने स्ट्रक्चर में भी, पहला स्टेप है पाइलस का फॉर्मेशन होना। तो जैसे ही पाइलस का फॉर्मेशन होना होता है तो एक सेल जो है वो डोनर सेल बन जाती है और एक रेसिपिएंट सेल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद इनके ये दोनों आसपास आते हैं और इनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है या एफ प्लाज्मिड जो होता है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड होता है और ये अनकॉइल शुरू हो जाता है। अनकॉइल होने के बाद में ये जो 5 प्राइम एंड होता है, डीएनए में दो एंड होते हैं, एक तो होता है 3 प्राइम एंड और एक होता है 5 प्राइम एंड। तो जो 5 प्राइम एंड होता है वहां से कटिंग शुरू होती है। किसके द्वारा होती है कटिंग? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। और उसके बाद में वो जो डीएनए है वो अनकॉइल होके एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है डोनर सेल में और उसके बाद में दोनों ही सेल में, चाहे डोनर हो चाहे रिसिपिएंट हो, दोनों सेल में सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन गए, ट्रांसफर हो गए। अब क्या होगा, जो सिंगल स्ट्रैंड है उसके ऊपर एक नई कॉम्प्लीमेंट्री उसके स्ट्रैंड बनते हैं। इस तरह से जो रेसिपिएंट सेल थी अब उसमें भी डोनर सेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, द डोनर एंड द रेसिपिएंट स्ट्रैंड बोथ कंटेन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एफ प्लाज्मिड, दस अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड ऑन बोथ द रेसिपिएंट एंड द डोनर। द रेसिपिएंट सेल नाउ कंटेन अ कॉपी ऑफ एफ प्लाज्मिड एंड बिकम्स अ डोनर सेल। ये है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है, तो ये ओल्ड डोनर सेल थी, अब ये न्यू डोनर सेल है। दूसरा मेथड जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड है, ये सबसे पहले ग्रिफ्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है, इसमें इन्होंने स्टडी किया था और ये बताया था कि ये जो डीएनए का अपटेक है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हो सकता है, लेकिन सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसको आर्टिफिशियली इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड से और किसी दूसरे केमिकल मेथड से इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल कंडीशन में कराया जा सकता है लैब में। जैसे बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में एक तो डीएनए हो गया, दूसरा हो गया प्लाज्मिड ऑफ सेल, और प्लाज्मिड सेल में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हम पहले कटिंग करते हैं और उसके बाद में जिस एरिया पे हमने कट करके उस सेक्शन को निकाला है वहां पर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद में उसको बांधना भी पड़ेगा क्योंकि कट किया था, तो कट बांधने के लिए हम लाइगेस एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक। अब लाइगेस एंजाइम का यूज करने के बाद में वो बन जाता है और एक इस तरह से एक नया डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। दूसरी टेक्निक हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर आता है ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन जो है, ये प्रोसेस जो है, ये बैक्टीरियोफाज के द्वारा किया जाता है। अब ये बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज जो है ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है या खा जाता है। तो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, इसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है और उसके अंदर में न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। जो बैक्टीरियोफाज कंटेनिंग वायरस कैरीज अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ह्यूमन इंसुलिन को भी इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। ये दो तरह से हो सकता है, एक तो जनरलाइज फॉर्म में और एक होता है स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन के फॉर्म में। तो जनरलाइज ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज को होस्ट सेल में, होस्ट बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर इन्फेक्ट कराने के लिए कराते हैं, उसके बाद जो डोनर सेल है वो वहां पर लाइटिक साइकिल शुरू कर देता है। लाइटिक साइकिल क्या है? जब बैक्टीरियोफाज होस्ट सेल के सरफेस पर आके बैठता है तो जो प्रोटीन कोटिंग है वो बाहर रह जाती है और न्यूक्लिक एसिड जो है वो पेनिट्रेट करके सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद सेल के प्रोटीन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है या यूज कर लेता है और उसके बाद उसको यूज करके नई कॉपीज का फॉर्मेशन कर लेता है और इस तरह से जो होस्ट सेल का डीएनए है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और इस तरह से स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में ये जो इंटीग्रेशन है वो नया वायरल जीनोम का फॉर्मेशन कर लेता है। बैक्टीरियल सेल की साइकिल खत्म हो जाती है तो वो सेल्स रप्चर हो जाती है और जो नए जो कॉपीज बनते हैं बैक्टीरियोफाज के वो बाहर की तरफ लिबरेट हो जाते हैं। हम डायग्राम में देख लेते हैं, ये पहली जो है लाइटिक साइकिल है, ठीक है, देखो फास्ट डीएनए जो है वो पहले आके सरफेस पे बाइंड कर रहा है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उसके बाद में फाज इंजेक्ट इनटू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। तो फाज का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल था वो बाहर रह गया और उसका सिर्फ जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो अंदर आ गया सेल के, डायरेक्टली ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा डीएनए और नई कॉपीज का फॉर्मेशन कर लेगा एंड देन सेल लाइजेस एंड रिलीज द न्यू फाज। क्योंकि ये इन्फेक्शन है इसलिए बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक उसको रोक के नहीं रख पाएगी और सेल बर्स्ट हो जाएगी और जितने भी बैक्टीरियोफाज बनेंगे वो लिबरेट हो जाएंगे बाहर। न्यू फाज कैन बाइंड टू बैक्टीरियल सेल और ये जो बैक्टीरियोफाज बना ये फिर से दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल होंगे। ये तो हो गया आपका जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब जो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन है, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होगा? इन दिस ओनली अ फ्यू रिस्ट्रिक्टेड बैक्टीरियाज आर ट्रांसफर्ड। इसमें सारे बैक्टीरिया कैपेबल नहीं होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड बैक्टीरियाज ही कैपेबल होंगे विच ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अब इसमें टेम्परेट बैक्टीरियोफाज जो है ये लाइसोजेनिक साइकिल में जाएगा। पहले हमने लाइटिक साइकिल पढ़ा था, अब ये लाइसोजेनिक साइकिल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। द वायरस एंटर्स द बैक्टीरिया एंड इंटीग्रेट्स इट्स जीनोम विद इन द होस्ट सेल डीएनए। अब इसमें होना ये है कि पहले तो एक छोटे से पार्ट में ही वो इंटीग्रेट होता था, बट
स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि पूरा का पूरा जो जीनोम है, जो क्रोमोसोम की जो पूरा सेटअप है, उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा और हर जैसे जैसे वो जनरेशन टू जनरेशन वो अपनी कॉपीज बनाएगा तो ये उस तरह से हर जनरेशन में पास हो जाएगा। और जैसे ही उसमें अगर हमने कुछ स्ट्रेस दिया या फिर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिया तो वो लाइटिक साइकिल वहां से शुरू हो जाएगी। ओके, तो वायरल जीनोम इज इंड्यूस्ड इन द होस्ट सेल जीनोम। ड्यू टू दिस द फाज जीनोम समटाइम्स कैरीज द बैक्टीरियल जीनोम विथ इट एंड इंटीग्रेट्स इट इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट सेल। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड जीनोम हैज द पॉसिबिलिटी फॉर एंटरिंग द रेसिपिएंट सेल। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, अब ये यहाँ इंटीग्रेट हो गया। ठीक, यहाँ के बाद जब वो प्रोफेज में जाएगा और अपनी कॉपीज बनाएगा तो ये इसके साथ साथ में वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, पूरे जीनोम के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा और अगर हमने उस पर यूवी लाइट ट्रिगर की या कोई दूसरा स्टिमुलस उस पर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो सकता है। ओके, और फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल या लाइटिक साइकिल में फिर से जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, सो जैसा कि हमें पता है कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है, तो एंटीबायोटिक्स में सबसे ज़्यादा इसका यूजफुलनेस है, हमें पता है। पेनिसिलिन का नाम सुना है सभी ने, पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है और ऐसे बहुत से एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सभी बैक्टीरिया से ही बने हुए हैं। मैनी बैक्टीरिया आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ओके, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा योगदान है। सीरम बनाने के लिए हम ये प्रोसीजर अपनाते हैं कि किसी एनिमल पे पहले हम जो टॉक्सिन्स है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है, उसको इंजेक्ट करते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स आता है ब्लड में तो उस ब्लड को आइसोलेट कर लेते हैं और इम्प्यूरिटीज को हटाने के बाद में जो ब्लड सैंपल होगा उससे सीरम को अलग कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूज की मदद से। ठीक है, और इस तरह से हम सीरम को आइसोलेट कर लेते हैं और उस सीरम को हम फिर पर्टिकुलर डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिपरेशन ऑफ सीरम एंड वैक्सीन्स। रोल इन एग्रीकल्चर, जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए तो हेल्प करता ही है, इसके साथ साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, ये कुछ बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सीडोमोनास, माइक्रोकोकस, थायोबैसिलस, टीरिया, ये सब भी फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं। उसके बाद है रोल्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे डेयरी इंडस्ट्री में लैक्टोबैसिलस लैक्टी जो बैक्टीरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और भी उसके एग्जांपल्स हैं जैसे लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, लैक्टोबैसिलस कैसी, स्ट्रेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहलाते हैं। विनेगर इंडस्ट्री में भी एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरिया है जिससे हम आर्टिफिशियली विनेगर को बना सकते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टोकोकस और सीडोमोनास बहुत सी बैक्टीरियल स्पीशीज है जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि फाइबर रेटिंग के लिए या जो माइक्रोबियल प्रोसेस से जो फाइबर्स को डिस्चार्ज किया जाता है उसमें ये मदद करते हैं। फॉर क्योरिंग ऑफ टी एंड टोबैको, कुछ ऐसे टी है और टोबैको है उसको फ्लेवर करने के लिए, उसको उसका एरोमा बढ़ाने के लिए, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए हम माइक्रोकोकस कैंडिडेंस बैसिलस, ये कुछ स्पीशीज हैं जिसको हम कमर्शियली यूज करते हैं फ्लेवरिंग के लिए। डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम, जैसे ऑयल स्पिल्स आपने पढ़ा है होगा कि ऑयल स्पिल्स, ऑयल टैंकर, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रिलीज हो जाते हैं उसकी सफाई के लिए हमको बेस्ट जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो है हमारे बैक्टीरिया। तो माइक्रोकोकस, कॉर्निबैक्टीरियम, सीडोमोनास, बैसिलस, फ्लेविबैक्टीरियम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स की जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। रोल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, इन दिस प्रोसेस कंट्रोलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट लाइक इंसेक्ट्स, वीड्स, माइट्स,
प्लांट डिजीज बाय यूजिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हम ऑर्गेनिज्म का यूज करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। ओके, दीज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स आर एसेंशियली नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन, जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए ही टॉक्सिक होगी, बाकी अदर स्पीशीज के लिए वो नॉन टॉक्सिक होगी। जैसे आपने बैसिलस थुरिएजेंसिस का नाम सुना होगा, इट सीक्रेट्स प्रोटीनेशियस सब्सटेंस विच आर हाईली टॉक्सिक टू कैटरपिलर्स एंड इंसेक्ट्स। फिर आता है हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फूड स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे स्यूडोमोनास, क्लॉस्ट्रिडियम, एसिटोबैक्टर, माइक्रोकॉकस, कुछ स्पीशीज ये हैं जो फूड और वेजिटेबल्स की स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वाटर पॉल्यूशन के लिए साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, और विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा की डिजीज स्प्रेड करता है, ठीक है, ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करते हैं, जो वाटर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडीज में। रोल इन डिजीजेस, डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में पर्टिकुलरली जो डिजीज होती है वो बैक्टीरियल डिजीज, जैसे सिट्रस कैंकर का नाम सुना होगा आपने, विल्टिंग की डिजीज का नाम सुना होगा, नेक्रोटिक ब्लाइट, लीफ स्पॉट रॉट, क्राउन गैल डिजीज, ठीक है। तो जैसे हमने इसको कैटेगराइज किया है, क्राउन गैल डिजीज तो ये हाइपरप्लेजिया या कंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होता है उसको हम हाइपरप्लेजिया की कंडीशन कहते हैं। हाइपरप्लेजिया की कंडीशन क्या फॉर्म करती है, एक गैल या क्राउन गैल डिजीज का फॉर्मेशन करती है। रूट्स में भी ये फॉर्म करती है कई बार। नेक्रोटिक ब्लाइट्स, जले जले का निशान आपको दिखेगा। देन विल्ट डिजीज, मुरझाना, पौधे का मुरझाना, ये इसका कारण क्या होता है कि जब उसकी जाइलम, प्लांट में जब जाइलम वेसल्स में अगर कहीं पर ब्लॉकेज आ जाती है तो पौधा मुरझाने लगता है, और वो जो ब्लॉकिंग होगी वो किसके थ्रू होगी या किसके वजह से होगी, किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से होगी। तो इसके जो प्लांट है, ससेप्टेबल प्लांट है, वो है कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड एग प्लांट। दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ पैथोजन एंड डिजीजेस एंड देयर साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो पैथोजन इन पैथोजन फॉर मैन, साल्मोनेला टाइफी, ये क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है, कहाँ कॉज करता है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। उसी तरह विब्रियो कॉलेरी, ये एशियाटिक कॉलेरा डिजीज कॉज करता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ मैन में। देन माइकोबैक्टीरियम लैप्री लेप्रोसी कॉज करता है, विच इज अ स्किन डिजीज एंड स्किन ऑफ मैन। उसी तरह डिप्लोकॉकस निमोनिया कॉज करता है, प्रेजेंट इन लंग्स। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी डिप्थेरिया कॉज करेगा, कहाँ पर, थ्रोट ऑफ मैन। उसी तरह एनिमल्स के जो पैथोजेंस हैं वो अलग हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स डिजीज, ये कैटल्स में डिजीज कॉज करता है। उसी तरह यर्सिनिया पेस्टिस प्लेग रोडेंट्स में, चूहों में ज़्यादातर ये बीमारी फैलाता है। फिर है लेप्टोस्पायरा, इस तरह से ये अलग अलग डिजीज जो है ये बैट और डॉग में डिजीज कॉज करता है, क्यू फीवर बर्ड्स एंड रैट्स में इस तरह से कॉज करता है। इनका ये एक स्पेसिफिक होता है कि ये जिसमें कॉज करते हैं डिजीज, जो इनका होस्ट एनिमल या होस्ट प्लांट है, ये उसी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट का जो डिजीज है वो एनिमल में कॉज होगा या एनिमल का डिजीज है वो प्लांट में कॉज होगा, ठीक। एनिमल और मैन में कुछ कॉमन हो भी सकता है कि एनिमल में जो डिजीज कॉज करता है वो कभी म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन बीइंग में भी वो डिजीज कॉज कर सके। तो आज हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। नमस्कार।